बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द फिस्कल सिस्टम इज आवर टॉपिक ऑफ टुडे एंड लेट मी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि ये होता क्या है सिस्टम। असल में ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का हिस्सा होता है। सर, इस तो टॉपिक का हम नाम आप मुझे बताते हैं क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप कह सकते हैं या पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इसका नेम है। तो इन दोनों में से कोई भी नेम आप रख सकते हैं इसका। रेवेन्यू की हम कुछ थोड़ी बात करेंगे, लेकिन रेवेन्यू के सोर्सेज को एक सेपरेट सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चूंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का पार्ट होता है, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पहले ओवरव्यू देख रहे हैं। इसमें जिसमें फिस्कल पॉलिसी होती है सबसे पहले। फिस्कल पॉलिसी जो है, दिस पॉलिसी इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस थ्रू चेंज इन फेडरल गवर्नमेंट परचेजेस, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स एंड और टैक्सेस। तो ये चीजें फिस्कल पॉलिसी में आती हैं। फिस्कल पॉलिसी इजियर टर्म्स क्या होती है? फिस्कल जो पॉलिसी है ना, मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो हमारी पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट होती है, ये जो जमहूरी हुकूमत जिसे हम कहते हैं 5 ईयर्स के लिए आती है, ये जो बजट पास करती है असेंबली में जाके, तो वो जो बजट होता है ना, वही तो उनके प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं अगले आने वाले 5 साल के लिए या 1 साल के लिए। एक मिनी बजट होता है और एक 5 ईयर बजट होता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है 5 साल के लिए आती है। तो जो ये पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जैसे आप पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो पीटीआई ने जो फिस्कल पॉलिसी दी है, जो इसने पॉलिसी बनाई है, जो बजट इन्होंने पास किया है या जैसे ये चल रहे हैं एक्सपेंडिचर इन्होंने प्लान किए हुए हैं, दिस विल बी कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स मेजर होते हैं, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स या गवर्नमेंट परचेजेस। एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, मैं थोड़ा सा यहीं पे ही आपको बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर में अगर गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, फ्लाईओवर्स बनवाती है, सड़कें बनवाती है, स्कूल कॉलेज हेल्थ के ऊपर एक्सपेंस करती है, जितना भी गवर्नमेंट, मतलब ये सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो टैक्सेस की फॉर्म में होता है। पब्लिक से जितने भी टैक्सेस कलेक्ट करती है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहलाता है। तो फिस्कल पॉलिसी के ये दो टूल होते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट परचेजेस जी, हाँ जी, हाँ जी, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू टैक्सेस को कहते हैं और एक्सपेंडिचर जो भी पब्लिक वर्क्स वो करती है, ठीक है? खा वो पॉलिसी जो के टैक्स रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को इन रनिंग फॉर्म लेकर आती है किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू, उसको फिस्कल जी पॉलिसी, जी उससे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और दूसरी है नीचे जो मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस थ्रू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बता दूं कि ये आपका जो स्टेट बैंक होता है वो लगाता है, सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी लगाता है, जिसमें सप्लाई ऑफ मनी को वो कंट्रोल करता है, ठीक है? लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट, चीजों की प्राइसेस, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आता है, बैंक रेट जो होता है, ये सारे मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी आपको आइडिया हो गया, स्टेट बैंक लगाता है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लगाता है, ठीक है? बेसिकली टू रन द मनी इन द स्टेट, टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी। कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी का मतलब यही है, दो ही चीजें, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर अगर इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दिया जाए तो इन्फ्लेशन होता है, सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दिया जाए तो डिफ्लेशन होता है। इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो स्टेट बैंक को सप्लाई ऑफ मनी को कम करना चाहिए, ठीक है? अगर डिफ्लेशन हो रहा हो तो उसे सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना होता है, ठीक है ना? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है विच हैज बीन अप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी इकोनॉमी। सॉरी सर, एक दफा रिपीट करते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा तो सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, और अगर डिफ्लेशन, अगर अगर इन्फ्लेशन हो रहा होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, तो सेंट्रल बैंक को जो है कम करना पड़ेगा।
हाँ, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी पड़ेगी, उसे सप्लाई ऑफ मनी को कम करना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, प्राइसेस कंट्रोल हो, और अगर डिफ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, अनसोल्ड चीजें मार्केट में पड़ी हुई हैं, लोग मार्केट्स का रुख नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर्स को लॉस हो रहा है, तो उसके लिए फिर सेंट्रल बैंक को सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना पड़ती है। ठीक है, उसके मुख्तलिफ टूल्स उसके पास होते हैं सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने के, तो सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाएगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट भी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, ये स्टेट बैंक डिसाइड करता है, और मनी सप्लाई जो है वो भी वही डिसाइड करता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी होगी। ठीक है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा बहुत पता चला, मैं आगे चल के इनकी डिटेल भी बताता हूँ आपको। असल में जितनी भी ये पॉलिसीज हैं, इनकी दो दो टाइप्स होती हैं, और वो कैसी टाइप्स होती हैं, कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी क्या होती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है, ये आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, असल में हमारा तो टॉपिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से स्टार्ट हुआ था ना, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते क्या क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर। गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे पब्लिक गुड्स होती हैं, अब वो जो वो पब्लिक गुड जो सर्व जो सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, उसमें क्वाजी पब्लिक गुड भी होती हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड गुड दैट कुड बी सोल्ड इन प्राइवेट मार्केट, वो क्वाजी पब्लिक गुड होती हैं। लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं, तो जो गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या है, अगर तो मैं अगर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में अगर मैं लेक्चरर हूँ बिलफर्ज, हाँ जी, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उसमें गवर्नमेंट ने मेरी सर्विस को परचेज किया हुआ है। ठीक है, अगर लाहौर हाई कोर्ट में कोई अब्दुल खालिक अगर कोई जज है लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसको गवर्नमेंट ने हायर किया हुआ है, गवर्नमेंट उसकी सर्विस परचेज कर रही है। ठीक है, अगर सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर मुनीर को किसी ने हायर किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट उस डॉक्टर की सर्विस परचेज कर रही है। बात समझ रही हैं आप? हाँ ठीक जी, है, इसी तरह गुड्स भी हैं, गवर्नमेंट जो है ना वो गुड्स भी परचेज करती है। कैसे, अगर गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए मटेरियल उसे चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट ने जो है ना एक रोड बनाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने परचेजेस तो करनी है, उसको मटेरियल चाहिए रोड को बनाने के लिए या मोटरवे हाईवे को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी पब्लिक गुड्स होती हैं, सरकारी चीजें होती हैं, उनको बनाने के लिए या उन चीजों को, उन आधारों को चलाने के लिए गवर्नमेंट को चीजें भी परचेज करनी पड़ती हैं और सर्विसेज भी परचेज करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के अखराजात होते हैं या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक ना, अब इसमें एक ये दूसरी क्वासी पब्लिक गुड क्या होता है, दोबारा बताते हैं जरा। हाँ, काजी काजी पब्लिक गुड्स जो होती हैं, ये ऐसी गुड्स होती हैं जो मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन वो उनको फिर बाद में प्राइवेट मार्केट में भी सेल किया जा सकता है। मसलन ये यूटिलिटी स्टोर जो है, यूटिलिटी स्टोर अंडर गवर्नमेंट चल रहे हैं ना, तो वहां से बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ अपने स्टॉल्स या अपने स्टोर्स होते हैं, वहां से लोग चीजें परचेज कर लेते हैं और फिर जाके बाद में प्राइवेट मार्केट के अंदर भी सेल करते हैं। यानी कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल ही गवर्नमेंट का होता है, और वहां से परचेज करके बाद में उसको प्राइवेट मार्केट में बेचा जाए या किसी भी अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचा जाए। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, पाकिस्तान रेलवे है ना, पाकिस्तान रेलवे, हाँ तो जी, पाकिस्तान रेलवे गवर्नमेंट के अंडर है, तो वहां से पाकिस्तान रेलवे जो है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देता है, तो जो टिकट्स हैं रेलवे के, जो टिकट्स हैं ट्रैवलिंग के लिए, वो हमें गवर्नमेंट के दफात जो रेलवे के दफातर है वहां से जाके परचेज करने पड़ते हैं। बाद में बेशक आप जिसको मर्जी बेच दें कि ये जी टिकट है रेलवे का लाहौर से कराची तक, आप इसको जो है ना ये ऐसे ऐसे इस तरह होता है। यानी जो कंपनियां, जो बिजनेस, जो चीजें, जो गुड्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, तो आप गवर्नमेंट की मार्केट से परचेज करके बाद में उसे कहीं और सेल कर दें, तो वो काजी गुड्स कहलाती हैं, काजी पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। ठीक है। इस तरह फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स।
तो मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर विच नो डायरेक्ट वर्क इज रिक्वायर्ड इन रिटर्न, मतलब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है लेकिन आपने उसका कुछ देना नहीं होता, यानी विदाउट एनी एफर्ट आपको मिलती हैं, वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स होती हैं। लेकिन इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स की। जैसे कि गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स को पेंशन देती है, हाँ जी तो ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे बैठी हैं और आपका कोई दोस्त आपको दुबई से गिफ्ट भेजता है, तो वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है। या उसके अलावा गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेट सपोज बहुत अच्छी है और जितने लोग बेरोजगार हैं, अनइम्प्लॉयड हैं, उनको उनको जो गवर्नमेंट है अनइम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे देती है, सर वो जी, जो इसमें आपको अनइम्प्लॉयमेंट पेंजीर इनकम सपोर्ट वगैरह वगैरह है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट फॉर नथिंग वो गरीब लोगों को मिलता है, तो वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, पेंशन जो है वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की एक एग्जाम्पल है। अगर किसी को जकात फंड मिलता है बैतुल माल से, तो वो एक ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो बगैर एफर्ट के जो गवर्नमेंट मतलब अपने खजाने से लोगों को देती है बगैर एफर्ट के, बगैर किसी वजह के, उनको कंपनसेट करने के लिए, उसे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कहते हैं। वैसे अगर प्राइवेट लोग भी कोई चीजें अगर एक्सचेंज करते हैं, मतलब गिफ्ट वगैरह, उसको भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ही कहते हैं। इसके अलावा नंबर थर्ड पे अदर्स, अदर्स कई चीजें जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड फंड्स, जो गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट पे करती है, मसलन IMF से लोन लिया हुआ था या दुबई से लोन लिया हुआ था या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं, जो एक्चुअल हमारा डेट होता है उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करते हैं। वो जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, तो ग्रांट्स इन एड टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट्स को भी एड देता है, तो ये सारे गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। आपको आइडिया हुआ गवर्नमेंट के क्या 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 एक्सपेंडिचर्स होते हैं? सर ये अदर्स में ये भी आ सकता है जो टोल टैक्स देते हैं मोटरवे पे? ये जो टोल टैक्स देते हैं वो तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ना। पर सर कहते तो हैं कि ये सारी पेमेंट जाती है उधर ही, उधार जो दिए हैं उधर उतारने के लिए, तो आता हाँ जी, नहीं? वो जी जी वो असल में यहाँ पे तो गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू बन रहा है ना, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। गवर्नमेंट उस अपने रेवेन्यू को उधर डेट के तौर पे पे करती है या उनको देती है। मतलब ये जो मोटरवेज का है, मोटरवेज चूंकि वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लेकर इसको बनाया हुआ है, तो जितना टोल टैक्स मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसका मेजर पोर्शन जो है वो लोन को उतारने के लिए या उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए वर्ल्ड बैंक को पीछे पे करते हैं। ये तो बात सच्ची है, लेकिन टोल टैक्स जो हम पे कर रहे हैं वहां पे उनके टर्मिनल्स के ऊपर, तो वो गवर्नमेंट का असल में तो रेवेन्यू कहलाता है, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ी सी आपको मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर्स अदर हैं की ना एग्जांपल्स को इतनी सही समझ नहीं लगी, किसकी, अदर की एग्जांपल को सही समझ नहीं लगी मुझे। अच्छा देखें, मैं ये कह रहा था कि जब हम कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, जैसे हम हाईवेज और मोटरवेज बनाते हैं, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास इतना पैसा या रिसोर्सेज नहीं होते, हम फॉरेन जो हमारे हमारे जो जो कोई फॉरेन इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं या अदारे होते हैं, हम उन अदारों से लोन लेते हैं। मसलन हम मोटरवेज बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, सही है, बोरो करते हैं। अब वो जो लोन है वो हमने वापस करना होता है और उसे 3-5% इंटरेस्ट भी पे करना होता है। वो जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो असल में गवर्नमेंट ने पे करना होता है। तो गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट उन अदारों को वापस पे बैक करती है, इंटरेस्ट बोरोड फंड्स के ऊपर पे करती है, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। समझ रही है मेरी बात? ठीक है। इसी तरह IMF से जो हम 3-3 साल के लिए या 1-1 साल के लिए या 5-5 साल के लिए लोन लेते हैं IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो उसके ऊपर हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। वो जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है लोन के साथ साथ, वो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, और ग्रांट्स अगर बाहर से आती हैं एड की सूरत में, अगर उसकी मद में भी गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ता है, तो वो भी उसके
एक्सपेंडिचर ही कहलाएंगे। उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स जैसे होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, काउंसिल लेवल पे, इनको अगर गवर्नमेंट कुछ पे करती है, मतलब कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करने में म्यूनिसपैलिटीज को देती है, तो वो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में आता है, अदर एक्सपेंडिचर्स में आता है। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत बात आपको समझ आई? हाँ जी सर, समझ आ गया। चलें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, मैं थोड़ा सा और इसको क्लासिफाई करके आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जब इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कुछ होते हैं। एक तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं वो करंट होते हैं, मतलब हो रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। उन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में यू कैन से कि एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक्सपेंस आता है, फिर सोशल सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंस आता है। सोशल सर्विसेज समझते हैं ना भाई, नहीं सोसाइटी सोसाइटी के बच्चे अगर यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कॉस्ट तो आती है गवर्नमेंट की, वो पे कर रही है, इतनी तनख्वाहें दे रही है प्रोफेसर को या बाकी जो दीगर स्टाफ है, ठीक है उनको वो। ये सोशल सर्विस होती है जो हम गवर्नमेंट के किसी अदारे में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या उसके अलावा अगर आप पंजाब कार्डियोलॉजी जाते हैं या आप किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है थ्रू डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड स्टाफ, तो वो सोशल सर्विस है ना। इसी तरह के जी और भी कई, आप किसी पार्क में चले जाते हैं तो पार्क में आप जाते हैं तो वहां पे आपको अमला नजर आता है एंट्री के ऊपर, ठीक है उसकी मेंटेनेंस के ऊपर उन्होंने मतलब स्टाफ रखा हुआ है, तो जी आप पब्लिक के लिए पार्क्स हैं लेकिन वहां पे जो स्टाफ नजर आता है उसको गवर्नमेंट पे कर रही है और उसकी मेंटेनेंस के ऊपर उसके अखराजात आ रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज होती है ना गवर्नमेंट अदारों में जो हमें पे की जा रही होती है, ये सोशल सर्विसेज कहलाती हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे अखराजात आते हैं डेवलपमेंट के, सोशल सर्विसेज पे आते हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं सोसाइटी को उसके ऊपर अखराजात आते हैं, और उसके अलावा डिफेंस इकोनॉमिक एंड सर्विसेज में क्या आती है सिक्योरिटी। सर? जी, इकोनॉमिक सर्विसेज की कोई एग्जांपल दे दें। इकोनॉमिक सर्विसेज में आप मतलब एक जगह पे एक मार्केट आपने बनाई तो उस मार्केट को गवर्नमेंट रास्ते भी देगी, रोड्स भी लिंक करके देगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाएगी, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, वहां पे गैस पानी की फैसिलिटीज देगी, ठीक है। तो एक ये असल में एक जो मार्केट एक हब तो पब्लिक के लिए है ना, तो पब्लिक की डीलिंग वहां पे होती, लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, अगर वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती तो मार्केट चलेगी नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, हम उसे इकोनॉमिक सर्विस का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोग अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, वो मार्केट है उनके लिए, वो जी सेल परचेज का अड्डा है, ठीक है, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब उसके लिए गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटीज देगी, खा वो उसके लिए मार्केट के अंदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रखे या प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर भेजे वहां पे मार्केट के अंदर, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पे पुलिस की सर्विसेज दे, गार्ड का दस्ता प्रोवाइड करे, या वह सड़क प्रोवाइड करे या दीगर यूटिलिटीज उस मार्केट को प्रोवाइड करे, वो इकोनॉमिक सर्विसेज ही कहलाएंगी। या उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आपको जितनी भी कोई लाइसेंस फी है या फिर कोई और चीजें आपको हासिल करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट से, तो वो इकोनॉमिक सर्विसेज में ही आएगा ना। मसलन आपने एक बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना है तो आप गवर्नमेंट से सर्विस लेंगे ना उसकी, मतलब तो गवर्नमेंट आपको सर्विस बिल्कुल उसके लिए प्रोवाइड करती, वो इकोनॉमिक सर्विस कहलाएगी, ठीक है ना। ट्रेड आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो बीच में आपको अगर आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है पहले गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट क्या है, वो आपको इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। दे रही सम है। हाँ, इसी तरह सर, जिस डिफेंस तरह ये एंड इकोनॉमिक सर्विसेज है उसी तरह ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आम, मतलब उन्होंने मतलब वजीर लगाए हुए हैं, मुशीर लगाए हुए हैं, टेक्नोक्रेट्स लगाए हुए हैं, या उन्होंने को ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेसी को हायर किया हुआ है, तो
वो एक जनरल एक रूटीन की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो तो होती है हर जगह, होती जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और मतलब ये कैटेगरीज उन्होंने बना दी कि एक तो भाई रूटीन की हमारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, एक सोशल सर्विसेज के ऊपर अखराजात आते हैं, एक इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर अखराजात आते हैं, उसके अलावा जो सबसे बड़ा पोर्शन पाकिस्तान का डिफेंस एंड सिक्योरिटी का है, तो वो आपको पता है कि डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास कितने, कोई 5-6 अदारे काम कर रहे हैं, मिलिट्री काम कर रही है, एयरफोर्स काम कर रही है, उसमें नेवी काम कर रही है, उसमें रेंजर्स काम कर रही है, उसमें पंजाब पुलिस काम कर रही है, एलीट फोर्स काम कर रही है, ठीक है, एंटी नारकोटिक्स वाले हैं, तो ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अदारे हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के अखराजात है, इस ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए चौक आउट करके बताया कि आपको गवर्नमेंट के मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंडिचर का अंदाजा हो जाए, कि फारूक साहब आपको गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का अंदाजा हो रहा है ना। जी सर, मिस चीजा, अब आपको क्लियर है ये चीजें, तो मैं आपको एक ग्राफ अभी मैंने किया था, जो अभी 2021 का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ग्राफ है, एक पाई चार्ट जो है ना, वो मैंने अभी मैंने डाउनलोड किया था गूगल से, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये क्लियर है तो फिर आगे चलें। जी ओके, ये देखें, ये बजट 2021 है, इसमें ये मतलब इसमें आप ये देखें मुख्तलिफ कैटेगरीज के ये बिलियंस में है, बिलियन रुपीज में ये बजट है, और मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज हैं, जिसमें पेंशन है, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जिसमें डिफेंस अफेयर्स हैं, जिसमें ग्रांट्स और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स हैं, जैसे हम बात कर रहे थे सब्सिडीज, ठीक है, उसमें रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट है, या उसके लिए ये डेवलपमेंट है, या फिर उसके लिए अलावा जो फेडरल की डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फेडरल का अपना, ठीक है, वो है। तो उसके अलावा करंट करंट जो एक्सपेंडिचर है, करंट जो ये आपको बड़ा पोर्शन जो 6,345 बिलियन रुपीज आपको नजर आ रहा है, 44.5% ये करंट एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का 2021 का एक ग्राफ था, जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इस परसेंटेज से अखराजात करती है, एक्सपेंडिचर्स करती है, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है बजट 2020-21, ठीक है, ये बजट का मतलब ही अखराजात होते हैं, जो गवर्नमेंट अखराजात प्लान करती है, एक्सपेंडिचर प्लान करती है, उसी का नाम बजट है, वो ही बजट असेंबली में पास होता है, ठीक है, और पास होने के बाद कानूनी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद होता है, ठीक है। ये पाकिस्तान का बजट था। इसी तरह मैं आपको एक यूएस इकोनॉमी का भी बजट इसी तरह आपको शो करता हूँ, ताकि एग्जाम्पल में मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। आप ये देखें, ये यूएस केस है फेडरल गवर्नमेंट का, तो इनके भी ये एक्सपेंडिचर्स प्लान है, ये करंट तो नहीं है, है तो पुराना, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था। इसमें आप देखें नेशनल डिफेंस एंड वेटरन्स के लिए 19% है, सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर के लिए 35% है, नेट इंटरेस्ट 11% है, इनकम सिक्योरिटी 14% है, हेल्थ एंड एजुकेशन 13% है, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का 5% है। इसके अलावा मिसलिनियस जो अदर है येलो में जो आपको दिखाई दे रहा है वो 3% है। तो ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का मतलब एक लेआउट दिखाने के लिए, एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जेन में बैठ जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं टैक्स एज द मेन गवर्नमेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हमने अभी तक एक्सपेंडिचर की बात की थी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कौन से हैं। तो टैक्स रेफर्स टू द फाइनेंशियल चार्ज और लेवी इम्पोज्ड ऑन द एलिजिबल टैक्स पेयर्स। एलिजिबल टैक्स पेयर्स वो होते हैं जिनके ऊपर टैक्स अक्रू होता है या लगता है, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल चार्ज वो टैक्स कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ टैक्स सिस्टम इज द परसेंटेज ऑफ टैक्स बर्डन। क्या है परसेंटेज ऑफ टैक्स बर्डन रिलेटिव टू इनकम और कंजम्पशन, लोग कितनी कंजम्पशन करते हैं या लोगों की कितनी इनकम है, उसके ऊपर एक परसेंटेज से लेवी की जाती है टैक्स की। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब इसमें इनकम
इनकम टैक्स भी लगता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है, और कंजम्पशन टैक्स जो है, कंजम्पशन जैसे लोग करते हैं, चीजें परचेज करते हैं, उनकी प्राइसेस के अंदर वो कंजम्पशन लगी होती है, ठीक है ना, सॉरी, उनकी प्राइसेस के अंदर ही टैक्स लगा होता है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसी तरह ईच टाइप जो है इसमें डिस्क्राइब द वे द रेट प्रोग्रेस फ्रॉम लो टू हाई, वाइस वर्सा और प्रोपोर्शनल। तो ईच टर्म डिस्क्राइब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन द इनकम और कंजम्पशन। अब इसमें जितनी भी टाइप्स होती हैं, प्रोग्रेसिव हो, रेग्रेसिव हो, इनकम टैक्स हो, कंजम्पशन टैक्स हो, कोई भी हो, वो उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज के तहत वो टैक्स चार्ज किया जाता है मीन टू से। तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये जो अभी मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, ये अब गवर्नमेंट रेवेन्यूज को हमने स्टार्ट किया है। आपको समझ आई कि दो किस्म के टैक्सेस की अभी हम बात कर रहे थे? जी सर, मैं मेरी थोड़ी सी वीडियो डिस्टॉर्टेड थी, मुझे आपकी आवाज़ को रिकट कट के आई है। अच्छा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी शीजा, आपको आपके वो क्लियर हुई है आवाज? अभी देखें आपको आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, पिछला कोई आपका क्वेश्चन तो नहीं है प्रीवियस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे? मेरे से पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो मैं बस आप जो टू टाइप्स के आपने टैक्सेस बताया ना, वो मैं लिख रही थी, साथ साथ आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, तो बीच में एक आधा पॉइंट मिस हो गया। आप आगे करें, शायद बीच में रिपीट हो जाएगा वो। जी वो टैक्स जो है ना, दो किस्म के टैक्स की बात मैंने की थी, एक कंजम्पशन टैक्स और एक इनकम टैक्स। जो कंजम्पशन टैक्स है वो चीजें जो हम परचेज करते हैं उनकी प्राइस के अंदर लगा होता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इस तरह इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है, जो डायरेक्टली हमें गवर्नमेंट कहती है कि आपकी इतनी इनकम है और आप इसका टैक्स पे करें, ठीक है। आगे ठीक आगे जो टर्म्स ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, है ये भी गवर्नमेंट रेवेन्यू का हिस्सा। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? टैक्स रिफ्लेक्टिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स एंड द साइज ऑफ द इनकम। एज इनकम इंक्रीजेस, सो टू डज रेट एट विच दैट इनकम इज टैक्स्ड एंड वाइस वर्स। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पर्सन की इनकम ज्यादा होगी, यानी उसकी जो इनकम है वो ज्यादा है, तो इसकी वजह से ओके टैक्स रेट भी ज्यादा कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी की इनकम लो है तो लो इनकम की वजह से टैक्स भी लो होगा, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक वो है। जिस तरह सर कहते हैं कि जिनकी 12 लाख से ज्यादा सैलरी होगी थ्रू आउट द ईयर, उनके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है, बाकियों पे नहीं होता, ऐसा मतलब ये जी भी कुछ है। ये प्रोग्रेसिव में आता है। नहीं, यहां पे वो तो सिर्फ ये मतलब एलिजिबिलिटी की बात हो रही ना, कि जिसकी 12 लाख होगी या उससे ज्यादा उस पर टैक्स लगेगा, वो एलिजिबिलिटी की बात है। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसी तरह उसका टैक्स रेट भी ज्यादा होता है,
जिसकी इनकम कम होती है उसका टैक्स रेट भी कम होता है। जैसे अगर आपने कहीं बिजनेस टैक्सेशन को पढ़ा हो अपना बीबीए में, या अभी किसी और दूसरे मैनेजमेंट के कोर्स में आपने, तो उसमें एक टैक्स की वो पूरी एक वो रेट लिस्ट होती है कि अगर किसी की 12 लाख से 15 लाख इनकम है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 17% होगा, और अगर किसी की 15 लाख से आगे 35-50 लाख है तो उसके ऊपर रेट और ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे आप ये देख लें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स पे हर 100 यूनिट्स के बाद उसका जो रेट है, प्राइस रेट वो पर यूनिट वो रिवाइज होता है। इसी तरह इनकम जो है, इनकम जैसे बढ़ती जाती है, ज्यादा इनकम होती है उस पर टैक्स रेट ज्यादा होता है, जितनी इनकम कम होती है उस पर टैक्स रेट कम होता है। तो वो रेट्स भी उन्होंने दिए होते हैं, ठीक है ना। तो उसे इस तरह का जो टैक्स होता है ना कि ज्यादा इनकम पे ज्यादा रेट से, कम इनकम पे कम रेट से, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है। ठीक है फरूख साहब, प्रोग्रेसिव टैक्स यही होता है ना आपके भी एस्टिमेशन में? जी, ठीक है सर। ओके। प्रोग्रेसिव के अलावा एक और टाइप भी है, और वो ये आपको मैंने बता दिया, रेग्रेसिव टैक्स होगा। रेग्रेसिव का मैं आपको बता दूं, वो होता है कि ज्यादा इनकम पे कम टैक्स और कम इनकम पे ज्यादा टैक्स, ठीक है। वो रेग्रेसिव प्रोग्रेसिव का उलट होता है, मतलब ये तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ये रेग्रेसिव टैक्स है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स के उलट है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल टैक्स जो है, फ्लैट टैक्स जिसे कहते हैं, ये दूसरे नंबर पे, टैक्स इक्वल टू द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द इनकम, एज इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट एट विच दैट इनकम इज टैक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी प्रोपोर्शनल टैक्स वो है जो मतलब सेम रहता है, उसकी परसेंटेज चेंज नहीं होती, फिक्स रहता है। यानी अगर किसी की 12 लाख इनकम है तो टैक्स रेट 10% है, और अगर किसी की 50 लाख इनकम है तो टैक्स रेट तब भी 10% है, अगर किसी की 6 अरब इनकम है तो उसके ऊपर भी 10% ही है, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। सर, ये तीनों ये टाइप, सिर्फ इनकम के ऊपर तीनों टैक्स लगते हैं, इसके अलावा नहीं लगते ये? नहीं बाकी तो पर यूनिट के हिसाब से होता है ना, जो कंजम्पशन सर में का कौन टैक्स सा होता अप्लाई है। हो रहा है सर? जी सर में कौन सा टैक्स अप्लाई हो रहा कहाँ पे? है? तो सर पाकिस्तान में इन तीनों में से कौन सा अप्लाई हो रहा है? पाकिस्तान में सारे रेट अप्लाई हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल भी हो रिग्रेसिव और रहा प्रोग्रेसिव ज्यादा नहीं हो रहा? है। वैसे कहने को तो प्रोग्रेसिव ही टैक्स हाँ अप्लाई जी। हो रहा है, और रेट्स भी हमारे जो हमारे नेशनल अकाउंट्स में रेट्स भी प्रोग्रेसिव वाले ही दिए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो टैक्स में मसाइल आते हैं ना, वो किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, मतलब जो कारोबार रजिस्टर्ड नहीं होते, या उसके अलावा जो हमारा FBR के मुलाजम है वो कुछ और तरीका कार अप्लाई करते हैं, और टैक्स में मतलब छूट जो है ना, अनड्यू छूट देते हैं, उस तरह टैक्स में मसाइल आते हैं। वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव टैक्स ही है, प्रोग्रेसिव टैक्स ही है, उसके बकायदा तौर पे नेशनल अकाउंट्स में रेट्स दिए हुए हैं कि इतनी इनकम है तो ये रेट होगा, इतनी इनकम है तो ये रेट होगा। तो सर, ये रिग्रेसिव टैक्स किस तरह लगता है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो क्या टैक्स कम होगा? ये कोई भी गवर्नमेंट लगाती नहीं है। वैसे ये एक टाइप बताई हुई है, पॉसिबिलिटी बताई हुई है कि अगर ऐसा हो कि कम इनकम पे ज्यादा रेट से टैक्स लगाना और ज्यादा इनकम पे कम रेट से टैक्स लगाना, अगर ऐसा हो तो वो रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है और वो अच्छा नहीं होता। वैसे उसकी एक टाइप को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। तो ठीक है सर। हाँ, एप्लीकेबल कोई भी इकोनॉमी, इसको अप्लाई कोई नहीं करती, उसको अप्लाई नहीं करती। प्रोपोर्शनल टैक्स इन सम केसेस हो सकता है, प्रोपोर्शनल टैक्स, फ्लैट टैक्स, ये भी आपको एक पॉसिबिलिटी बताई हुई है कि अगर फिक्स परसेंटेज से अगर टैक्स लगाता है तो वो प्रोपोर्शनल टैक्स होगा। ठीक है सर। अच्छा, ये टैक्सेस जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे पास थे गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेस। फिस्कल पॉलिसी को हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, शुरू में हमने फिस्कल पॉलिसी की बात की थी। दिस पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द लेवल्स ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस थ्रू चेंजेस इन गवर्नमेंट परचेजेस,
ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स और टैक्सेस, यही हमने पहले बात की थी कि इसमें ट्रांसफर ऑफ पेमेंट शामिल होती हैं, इसमें गवर्नमेंट परचेजेस शामिल होती हैं और इसमें टैक्सेस शामिल होते हैं, ये फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो है इन तीनों चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। फिस्कल पॉलिसी अगर एक्सपेंशनरी है तो गवर्नमेंट परचेजेस ज्यादा होंगी, अगर कॉन्ट्रेक्शनरी है तो गवर्नमेंट परचेजेस कम होंगी, अगर एक्सपेंशनरी है तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स ज्यादा होंगी, अगर कॉन्ट्रेक्शनरी है तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स कम होंगी, और इसी तरह टैक्सेस पे। ठीक हो गया। फिस्कल पॉलिसी के साथ ही साथ हमें, मैं आपको बताता हूं कि दो टाइप्स होती हैं, अभी मैं पीछे बात कर रहा था, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी बाय मैकेनिज्म दो होती हैं, ये आपके सामने है। इसमें एक टाइप है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक है कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब इसमें एक्सपेंशनरी में अभी आपको बता रहा था कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना वो ज्यादा हो तो फिर क्या है, फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम किए जाएं, कॉन्ट्रैक्ट किए जाएं, तो फिर वो कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, ये दो टाइप्स होती हैं बेसिकली फिस्कल पॉलिसी की, ये आपने जेहन में रखनी है। हम थोड़ा सा आगे कौन सी चल चलते रही है हैं सर, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्टरी? पाकिस्तान जी। में कौन सी चल रही है सर? पाकिस्तान में हमेशा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, क्योंकि रिकॉर्ड हम एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हमारे मैं आपको थोड़ा टेक्निकली बताता हूँ कि एक्सपेंशनरी क्या है। मैम, आप आपके पीछे वाली खजाने स्लाइड में, दोबारा खोलते हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जी, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको टेक्निकली बता देता हूँ कि एक्सपेंशनरी किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। ये पीछे वाली स्लाइड है, जी, आप ये देखें कि अगर गवर्नमेंट के खजाने में पैसे कम हो, फाइनेंस कम हो, और गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा प्लान कर ले, तो इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, वो अलग बात है कि जब मतलब आपके खजाने में इतने पैसे नहीं है, टैक्स रेवेन्यू इतना नहीं है, लेकिन आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर लिए, तो बाद में आप IMF से लोन लेते फिरें, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से, या चाइना से, वो एक सेपरेट केस है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ही एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, क्योंकि हम अपने अखराजात पूरे करने के लिए अपने खजाने, अपने टैक्स रेवेन्यू के अलावा बाहर के कंट्री से भी लोन लेते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ही फॉलो होती है, अभी तक तो मैंने तो यही देखा है। ठीक है मिस चीजा, इस स्लाइड में और कोई चीज आप कुछ पूछना चाह रही हो, ये नहीं सर बात क्लियर? बिल्कुल कह रहे ठीक हैं। है, क्लियर है सर। ओके okay. नो, ये तो हमने देख लिया कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, और ये थोड़ा सा आप देख लें कि जो फिस्कल पॉलिसी है, एक ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। ये जो ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी है इज आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन, इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन कहते हैं। चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड और टैक्सेस दैट अकर ऑटोमेटिकली एज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंजेस टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और जो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, दैट डेलिब्रेट चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड और टैक्सेस टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जाता है डिस्क्रिशनरी में, और ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक जो स्टेबलाइजेशन है इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या टैक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे चेंज होती है उसी तरह एडजस्ट करते जाते हैं। ठीक है, उससे उसका मकसद भी अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना होता है और डिमांड पुल को कंट्रोल करना होता है। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का भी मकसद यही होता है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करें और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है, इसका आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैम, जब तो डिमांड पुल, डिस्क्रिशनरी भी समझ आए कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखो डिस्क्रिशनरी का मतलब ये कि कम करना एक्सपेंडिचर को, डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर को कम करना, और कम करके आप अनइंप्लॉयमेंट को समटाइम कंट्रोल करते हैं,
और डिमांड पुल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। और जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से एडजस्ट करती जाती है। मकसद उसका भी यही होता है कि अनइम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, या फिर दूसरी चीज जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। उसमें ठीक हम एक्सपेंडिचर को कम करते हैं, डिस्क्रिशनरी में एक्सपेंडिचर्स को हम कम करते हैं। दूसरी और किसी तीसरी डिमांड जो पुल, डिमांड डिमांड पुल। ठीक पुल इन्फ्लेशन, है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मैं आपको बता रहा था। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इन्फ्लेशन को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, तो हम उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। ठीक है। मतलब कोई और चेंजेस नहीं आती, डिमांड बढ़ जाती है, किसी भी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि प्रोड्यूसर्स को मजबूरन, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मजबूरन कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं, ठीक है। डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन जब जो आता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की। अनइम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिक्लाइन इन स्पेंडिंग, आपको पता है गवर्नमेंट जब अपने अखराजात कम करती है तो उसकी वजह से अनइम्प्लॉयमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को कम करती है तो अनइम्प्लॉयमेंट आ जाती है। कैसे? देखो, मैं शुरू में, लेक्चर के शुरू में भी बात कर रहा था दरमियान में, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाती है, यूनिवर्सिटीज बनवाती है, स्कूल कॉलेजेस बनवाती है, रोड्स बनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, पार्क्स बनाती है। अब जितने भी ये पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, अदारे, पब्लिक प्लेसेस गवर्नमेंट बनवाती है, तो लोगों को रोजगार मिलता है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग बनाने का की एम्प्लॉयमेंट मिलती है। वहां पे अगर वो किसी डॉक्टर को, प्रोफेसर को, लॉयर को, जज को अपॉइंट करते हैं, उसे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर वो किसी माली को, अगर किसी वो एडमिनिस्ट्रेटर को, या अगर किसी भी इंजीनियर को वो हायर करते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से हमेशा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। और जैसे ही गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग में डिक्लाइन करती है, अपने अखराजात को कम करती है, तो अनइम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। ये पहली लाइन में आपको समझाना चाह रहा हूं। तो अनइम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिक्लाइन इन स्पेंडिंग रिजॉल्व बाय एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और वो क्या करती है? इंक्रीज गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट जो है उसको दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है? वो अपनी परचेजेस को बढ़ाती है, ज्यादा उसे करना पड़ता है, वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स को ज्यादा उसे करना पड़ता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो। वो टैक्सेस को कम करती है, ठीक है, क्योंकि टैक्सेस कम करेगी तो लोगों की जेबों में पैसा रहेगा ना। अगर टैक्सेस की फार्म में वो पैसा निकाल लेती है, ठीक है, तो जाहिर बात है वो फिर एक्सपेंशनरी तो नहीं, वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती। तो आपको यहां से एक तो ये समझ आई होगी कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वो है जिसमें टैक्सेस कम होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं, जिसे हम जी कहते हैं, वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। दो चीजें होती हैं, ये दो चीजें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को मेंशन करती हैं, टैक्सेस का कम होना और गवर्नमेंट के अखराजात, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का ज्यादा होना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को जाहिर करता है। बात क्लियर है आपको? जी ओके। अच्छा, इसका मतलब है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो है वो आपको क्लियर हो गई। तो जिसमें अभी हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को देखा है, फिस्कल पॉलिसी की एक समरी है, ये आप देख लें, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट और डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाय चेंजिंग द साइज ऑफ स्पेंडिंग स्ट्रीम, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। प्रॉब्लम अगर अनएम्प्लॉयमेंट की हो तो उसकी रेमेडी क्या है? इंक्रीज इन टोटल स्पेंडिंग। फिस्कल रिस्पॉन्स उसके लिए क्या हो सकता है? डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूएस की जो पार्टी है कांग्रेस,
उसकी एग्जांपल दी जा रही, चूंकि मैं यूएस की आपको पीछे उनके बजट की भी मिसाल दे रहा था, तो वहां पे अनइम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम की रेमेडी और डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी में कांग्रेस क्या कर सकती है, कैन इंक्रीज गवर्नमेंट परचेजेस, कांग्रेस कैन इंक्रीज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, कांग्रेस कैन डिक्रीज टैक्सेस, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन अगर करनी है तो ऑटोमेटिक इंक्रीजेस इन इनकम, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, स्पेशली ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कंपनसेशन जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा डिक्रीजेस इन फेडरल पर्सनल इनकम टैक्सेस है, तो इफेक्ट्स उसके क्या होंगे, पुट मोर डॉलर्स इनटू द स्पेंडिंग स्ट्रीम। तो इसी तरह दूसरी साइड पे अगर आप देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आता है, तो टोटल अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मसला आता है तो उसकी रेमेडी ये है कि आप टोटल स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दें। तो कांग्रेस क्या कर सकती है, कांग्रेस विल डिक्रीज गवर्नमेंट परचेजेस, डिक्रीज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, इंक्रीज टैक्सेस एंड ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक डिक्रीज इन सम ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन इंक्रीजेस इन फेडरल, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के सारे वो हैं टूल्स हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है। तो वो डॉलर्स को विड्रॉ करती है स्पेंडिंग स्ट्रीम में से, ठीक है, तो तब वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। तो ये एक फिस्कल पॉलिसी का एक्शन, मतलब मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फिस्कल पॉलिसी का एक्शन आपके सामने रखा था कि अगर आप कल को फिस्कल पॉलिसी को एंडोर्स करने में आपका अगर रोल होता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो रिव्यू अगर आप इसका करें, यानी सवाल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इन व्हाट फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल वुड कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बी अप्रोप्रिएट, डिस्क्राइब हाउ इट विल टेक इफेक्ट ड्यूरिंग दी फेज इन विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तानी आ सकता है, क्योंकि आपने जो सॉल्व सॉल्यूशन करना है अपने पेपर का विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तानी करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये रिव्यू मैंने आपको शो किया। सर इसके ये मस्ट अलावा आएगा, जी ये क्वेश्चन मस्ट आएगा। ये तो अल्लाह ही जानता है कि मस्ट आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स हम सीएसएस के पेपर में कुछ नहीं कह सकते कि वो आपको कौन सा सवाल कहाँ से देगा और कैसे देगा, यही सर तो। मैं दरअसल आपसे पूछ रही थी कि वो जो आपने क्वेश्चन दिखाया है उसका पहले वाला पार्ट आप किस तरह आंसर करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। अच्छा मैं वापस आता हूँ, मैं ये डिस्कशन इसको कंप्लीट करके ना मैं उसको रिव्यू को दोबारा दिखाता हूँ और मैं आपसे 2 मिनट उस पर भी डिस्कस करता हूँ। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो बजट होता है वो 3 किस्म का होता है, ये आपके सामने आ रहा है। आप इसमें देखें कि एक बैलेंस बजट होता है, बैलेंस बजट में गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट विल बी इक्वल टू इट्स टोटल रेवेन्यू, ये बैलेंस बजट होता है जिसमें उसके एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू के इक्वल होते हैं, यानी जितना टैक्स कलेक्ट किया है उतने एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस बजट है। सरप्लस बजट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन द टोटल रेवेन्यू, अगर टैक्स रेवेन्यू कम है और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो कम है तो सरप्लस बजट है। फिर डेफिसिट बजट की बात करें जो कि हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का होता है, ये गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन इट्स टोटल रेवेन्यू, अगर उसका रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन कम है लेकिन उसने जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा प्लान कर लिए हुए हैं तो इसे कहते हैं डेफिसिट बजट। तो इसके लिए गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों किस्म के सोर्सेज अप्लाई करके वहां से लोन लेती है, अपने अंदरूनी अदारों से भी, स्टेट बैंक से या कमर्शियल बैंकों से या पब्लिक से, और उसके अलावा बाहर से भी वो लोन्स लेती है। अच्छा, कॉन्ट्रेक्शनरी जो पॉलिसी होती है इसमें कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी इज डिजाइन टू इनलार्ज द बजट सरप्लस और रिड्यूस बजट डेफिसिट। कॉन्ट्रेक्शनरी इसलिए लगाई जाती है, उसका मकसद क्या होता है, ये मकसद एक लाइन में लिखा हुआ है, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा दिस इज डैम्पन एग्रीगेट स्पेंडिंग थस एड इन मैनेजिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो जो एग्रीगेट स्पेंडिंग है उसको कम करती है, ठीक है, उसको डैम्पिन करती है, कम करती है। एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी है इज डिजाइन टू इनलार्ज बजट डेफिसिट और रिड्यूस बजट सरप्लस, तो आपने इसका और उसका फर्क देखा, दिस विल इंक्रीज द एग्रीगेट स्पेंडिंग एंड हेल्प टू रिवर्स द रिसेशन।
ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, मतलब डिफ्लेशन अगर आ रहा हो तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा के रिसेशन को रिवर्स किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और नेक्स्ट इज नेशनल डेट की बात करें, आपको पता है कि जब हमारा बजट डेफिसिट में होता है तो हमें डेट डेट की लेनी पड़ती है, असिस्टेंस लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट पब्लिक और सोवरेन डेट जो होता है वो चाहिए होता है, नेशनल डेट वो होता है हमेशा मनी क्रेडिट ओल्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये नेशनल डेट होता है। फाइनेंसिंग द नेशनल डेट इशूड बाय गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर फंड्स लेंड टू इट। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द नेशनल डेट इज हेल्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड द रेस्ट इज ओन्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ट्रस्ट, ठीक है। जो ज्यादा बड़ा पोर्शन होता है नेशनल डेट का वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स करते हैं, ठीक है। ये यूएस इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टर्स के अलावा जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल अदारे हैं, वो ज्यादा हमें लोन देते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम एंड करने की कोशिश करते हैं। आप इस स्लाइड को देखिएगा, नेशनल डेट की, डेट विच अ गवर्नमेंट ओज टू इट्स नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज। सोर्सेज ऑफ नेशनल डेट इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। अब वो कैसे कैसे होते हैं मैं थोड़ी सी उनकी लिस्ट आपको शो कर देता हूँ और हम पीछे वाले रिव्यू पे चलते हैं फिर। ये देखें, ये इंटरनल सोर्सेज हैं जिसमें बोरिंग फर्म सिटीजन्स हैं, आप अपने शहरियों से बोरो कर सकते हैं। बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके बैंक्स वगैरह होते हैं वहां से आप ले सकते हैं। लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। एक्सटर्नल सोर्सेज में इंटरनेशनल मनी मार्केट होती है जिसमें पाकिस्तान के लिए ज्यादा IMF का नाम आता है। उसके अलावा करेंसी लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, उसके अलावा लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वर्ल्ड बैंक आता है, IMF आता है और एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है, ठीक है। ये बैंक्स इंटरनेशनल अदारों में आते हैं जो हमें फंडिंग करते हैं, मतलब लोन देते हैं। करेंसी लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स जिसमें हम दुबई से भी इसमें लोन लेते हैं, यूएसएड हम भी आ चाइना से। जाती है, जी इसमें यूएसएड भी आता है। वो एड है वो एड है, वो अच्छा लोन नहीं है, वो एड है। और वो टाइड किस्म की एक एड होती है कि जी आप ये इस तरह करें, आप ये टेररिज्म को इस तरह कंट्रोल करें, हमें फलां अड्डे दे दें और ये तिजारत आपने वहां से नहीं करनी, ये चार पांच बाइंडिंग्स हैं और ये ले लें आप पोलियो के लिए एड ले लें, आप यूएस एड ले लें, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए एड ले लें, ठीक है। तो वो एड है, एड जो है ना वो डेट में नहीं आती। तो लेकिन कॉस्ट उसकी डेट जैसी होती है, जो एड की कॉस्ट हमें बियर करना पड़ती है ना, जो बाइंडिंग्स हो जाती हैं वो डेट जैसी होती है। कोई फॉरेन एड का टॉपिक आगे जाके हम मेजर इश्यूज में पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। तो करेंसी लोन फॉरेन गवर्नमेंट्स का आप समझ आया, जैसे चाइना है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, उसके अलावा भी और कंट्रीज हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, उनसे हम लोन लेते हैं, तो वो फॉरेन सऊदी अरब ने गवर्नमेंट्स तो को हमारे साथ देते हैं। दुश्मनी कर ली है, वो तो अब नहीं देते कुछ। किसने सऊदी अरब ने तो किसने दुश्मनी कर ली है। हाँ जी, वो जारी बात है, यहाँ पे हर जो कंट्री है ना, कोई भी कंट्री है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो सऊदी अरेबिया के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, वो हमारे अपने अपने उस पे मॉनेटरी नोट पे ऊपर से भी जो है ना गिलगित और